नाम सुस्मिता वाजपेयी। मैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय शक्ति भवन खास ब्लॉक सितारगंज जिला उधम सिंह नगर उत्तराखंड से हूँ। मेरा नवाचार बच्चों की उपस्थिति से संबंधित है। बच्चे लगातार विद्यालय में अनुपस्थित रहते थे जिसके कारण से बच्चे पढ़ाई में कमजोर रहते थे और जब बच्चे अगले दिन आते थे उनको जब पढ़ाया जाता था उनको पढ़ाई में पढ़ने में रुचि नहीं होती थी। इस तरह हमने एक दिन तो ऐसा हुआ कि हम विद्यालय में 3 अध्यापक थे और हमारे यहाँ केवल 4 ही बच्चे उपस्थित थे। फिर हमने सोचा कि क्या करें, हम उनके उन्हीं बच्चों में से एक बच्चे को हमने लिया और उनके उनसे उससे पूछा कि भाई आपको सबके घरों का पता है। बच्चे ने बताया हाँ, और हम उस बच्चे को लेकर के उन सब बच्चों के घर गए। हमने वहाँ देखा कुछ बच्चे तो खेल रहे थे, कुछ बच्चे घर के कामों में बिजी थे और कुछ के माता पिता मजदूरी करने गए हुए थे। फिर हमने जिनके उनके घर में उनके अभिभावकों से संपर्क किया और बच्चों और उसके उनको विद्यालय भेजने के लिए प्रेरित किया और कि आपने बच्चे को विद्यालय प्रतिदिन भेजें। हमने बच्चों को तैयार करवाकर फिर विद्यालय के लिए उनको भेजा। इस तरह से स्कूल में बच्चों को लगा भेजा गया और उस दिन बच्चे स्कूल में 55 बच्चे इकट्ठे कर लिए। अब अगले दिन से हमारा प्रतिदिन का नियम हो गया कि हम प्रार्थना में ही बच्चों को चिन्हीकरण करते थे और देखते थे कौन बच्चा हमारा विद्यालय नहीं आया और उसके पास के घर के पास के बच्चे वाले घर के पास जो बच्चा रहता था उससे पता करते थे कि बच्चा विद्यालय क्यों नहीं आया और हम उनके घर जाते थे, उनके अभिभावकों से संपर्क करके बच्चे को बुलाते थे। इस तरह से हमने लगातार 6-7 महीने किया। फिर उसके बाद अगर बच्चा नहीं आया तो उनके अभिभावकों से हम फोन पर भी संपर्क करते थे। इस प्रकार से बच्चे लगातार विद्यालय आने लगे और अभिभावकों से भी कहा गया कि आप भी विद्यालय आइए, क्योंकि अभिभावक विद्यालय नहीं आते थे इससे उनको अपने बच्चों की प्रगति का नहीं पता चलता था। अभिभावकों को प्रेरित करने से ये हुआ कि अभिभावक विद्यालय में आने लगे और अपने बच्चों की प्रगति का पता करने लगे जिससे उनको पता चला कि हाँ हमारे बच्चे पढ़ाई में अच्छे हो रहे हैं। अब हमने इसको इस तरह से इम्प्लीमेंट किया तो हमें इसका रिजल्ट हमें ये दिखाई पड़ा कि बच्चे प्रतिदिन विद्यालय आ रहे हैं और बच्चे पढ़ाई में इंटरेस्ट ले रहे हैं। बच्चे को हिंदी बहुत अच्छे से पढ़नी आ रही है, इंग्लिश बहुत अच्छे से पढ़नी आ रही है। घर के अभिभावकों ने देखा कि हाँ बच्चे हमारे पढ़ाई में बहुत अच्छे हो गए हैं और पास पड़ोस के उनके जो विद्यालय के सत्र के अंत में ऐसा होता था कि बच्चे दूसरे विद्यालय में चले जाते थे, लेकिन उससे इसका नतीजा यह निकला कि बच्चे लास्ट में जो विद्यालय मतलब बच्चों का ठहराव हुआ और उनके अभिभावकों ने कहा कि हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है और अपने बच्चों को हम सरकारी स्कूल में ही भेजेंगे, किसी अन्य स्कूल में नहीं भेजेंगे। बच्चों का ठहराव भी हुआ और बच्चों की उपस्थिति में भी फर्क पड़ा और बच्चों की उपस्थिति दर भी बढ़ गई।